भारत में कोरोना के केस हो रहे हैं कम, लेकिन होने वाली मौतें चिंता का विषय। एक वैक्सीन का टीका देने वाला भारत दूसरा देश। 2.46 करोड़ से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत में कोरोना वायरस के प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस रफ्तार से देश में कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उससे अधिक रफ्तार से ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना से रिकवरी की दर में भी तेजी से सुधार हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 2,14,275 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 3,841 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमित की कुल संख्या 2,73,68,935 हो गई है, जबकि देश में अब तक 3,15,263 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 2.46 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं, यानी कोरोना वायरस से रिकवरी की दर 90% से ज़्यादा हो गई है। जानकारी के अनुसार देश में एक दिन में 2.83 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। इसी के साथ देश में अब तक आए कुल कोरोना मामलों में अब तक 10% से भी कम एक्टिव केस बचे हैं, यानी अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 24,15,761 है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए मामले में कमी के बावजूद कोरोना से होने वाली मौतें चिंता का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि आज भी 3,841 लोगों की जान गई है। भारत में कोरोना वायरस की मृत्यु दर 1.15% तक पहुंच गई है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि विश्व भर में 20 करोड़ से अधिक लोगों को कम से कम एक वैक्सीन का टीका देने वाले भारत दूसरा देश बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।